ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम लोगों ने थोड़ा सा कंट्रोल पे काम किया, कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा और यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया। इस बार थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, जैसे कोई मैंने मैनेज किया, ये मैं बस हाथ वाला पार्ट पे, थम वाले पार्ट पे यहाँ पे हमने मैनेज कर रखा है। अब इसके साथ में ऐसा भी है, जैसे हमारे पास ये थम ऐसा है कार्टूनिंग का, तो ये इस एंगल में मुड़ रहा है, लेकिन क्या इसमें मैं आपको जैसे पहले भी बताया था कि अगर मुझे इसे थोड़ा सा टर्न करना पड़े तो मैं इसको थोड़ा सा वाई एक्सिस पर भी टर्न करके रखूँगा। ठीक है, अभी जैसे अभी मैंने एक फीमेल करेक्टर का भी रिक बताया है, ठीक है, तो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, चैनल पे जाओगे, यहाँ पे मैंने हैंड वाले पार्ट में बताया, जैसे मेरे पास नॉर्मल हैंड है इस पोज में तो आपको जेड में अच्छा काम करेगा, लेकिन मेरे पास अभी मैं अपने करेक्टर के यहाँ पे थम देखूँ, ठीक है, तो थम यहाँ पे देखने पे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैंने ऐसे मैनेज कर दिया, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे मैंने इस वाले में लाइक दूसरे पार्ट में मैंने यहाँ पे इसको ऐसे दिखा रखा है। देखो, आप इसे देखोगे तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा, थम वाले पार्ट को देखो, ये देखो, ये अभी बेटर लग रहा है, वो भी एक जेड में ही जा रहा है। यहाँ पर मैंने वाई और जेड दोनों पर काम किया, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अराउंड ऑफ आपका दिखेगा वाई और जेड पे यहाँ पे काम किया हुआ है। तो सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे काम करना ही है तो अभी देखो, यहाँ पर हमने काम किया। अभी कीज़ मैंने यहाँ पे दे रखा है, कीज़ वाला पार्ट आपको एक बार याद दिला देता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग कहाँ पे गए थे, एनिमेशन में गए थे, एनिमेशन पे गए, कीज़ पे गए, कीज़ में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या किया, सेट ड्रिवन की सेट की, है ना। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसको मैंने लोड ड्राइवर कर देता यहाँ पे, ठीक है, दिस वन लोड ड्राइवर, लोड ड्राइवर, सॉरी ये भी देखना है क्या, लोड ड्रिवन और ड्राइवर सिमिलर सा पार्ट लगता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे, यहाँ पे हमने कीज दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, लोड ड्रिवन ये मैंने पार्ट यहाँ पे लिया। ठीक है, अभी लोड ड्रिवन पे अगर मैं पार्ट को लेता तो मैंने एक साथ एक ही लिया, ठीक है, ये भी ध्यान देने का, तो मुझे ऐसे करके लेना, वन टू, पहले तो मैं इसका पार्ट इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, पिंकी को मैंने कर दिया। चल भाई, पिंकी है कि नहीं यहाँ पे, मेक श्योर वो जीरो करने पे यहाँ पे चाहिए दिखनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो पिंकी ही है, सॉरी थंब है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने थंब को यहाँ पे लिया, थंब ये ऐसे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दिस वन, दिस वन, ठीक है, वन टू, एंड शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पे काम करोगे। ठीक है, ये आपने ऐसा कुछ कर दिया लोड ड्रिवन, ठीक है, वन टू थ्री एंड फोर, ऐसा कुछ मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे जब मैंने रोटेशन यहाँ पे दिया था तो मेरे पास यहाँ पे क्या था, दिस इज़ अवर थंब, थंब क्या है, थंब कंट्रोलर, ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में दे रखा है यहाँ पे कीज़, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई भी है और जेड भी है। ठीक है, अभी यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे कीज जब दे रखा है तो मैं बस यहाँ पे क्या है, वे इज अवर थम, थम यहाँ पे दिखा है। ठीक है, अभी इसको मैंने यहाँ पे जेड पे दिखाया है, ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा एक्स पे भी लेके जाना है, तो इज़ इट पॉसिबल, सॉरी वाई पे भी लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे थम कंट्रोलर पे गया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, वाई पे जाकर थोड़ा सा इधर अंदर की तरफ देखा यहाँ पे, ये आपने जो पार्ट दिया है यहाँ पे देखो, ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है, वाई पे थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर दिया था, अभी टिल्ट कर दिया था, कि मैं अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मोड़ना चाहूँ तो मैं ऐसे भी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने वाई और जेड दोनों पे की सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस चेक करना है तो ऐसे ऐसे प्ले करना, आपका तो आइडिया मिलेगा। तो थंब पे मैंने यहाँ पे वन किया और देखो यहाँ पे, तो भी थोड़ा सा अंदर की तरफ टिल्ट भी आएगा, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके मैनेज कर सकता हूँ। एक बार फिर से आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे हम लोगों ने उस वाले हाथ पे तो किया था, इस वाले हाथ पे हम लोग नहीं कर पाए थे। ठीक है, सेम चीज़ इसको हम लोग कैसे मैनेज करने वाले हैं, चीज़ों को कैसे फुलफिल करने वाला है, तो ये हमारे पास एक पार्ट हमें लेके चलना है। तो लोड ड्राइवर, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला पार्ट है थंब को ही लेते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वन, ठीक है, टू थ्री एंड फोर, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया लोड ड्रिवन। ठीक है, सबसे पहला पार्ट, इसके अंदर आपको कुछ ऐड ऑन करना है, तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो कि नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या करना है, ऐड एट्रीब्यूट कर दिया मैंने यहाँ पे थंब, ठीक है, राइट हैंड THUMB थम कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम 0 एंड टैब 1 आपको कर देना है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे राइट थम कर दिया आपने यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट, आपके पास यहाँ पे कौन सा फिंगर है आपके यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स फिंगर या फिर देखे यहाँ पे आर जॉइंट में, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर राइट INDX इंडेक्स, ठीक है, आप इंडेक्स फिंगर या CTRL आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ये मिक्स, और ध्यान रखना कि आपको सेलेक्ट यही करना है, ठीक है, नहीं तो आप वो फिर उसमें चला जाएगा। तो आपने क्या किया, राइट INDX इंडेक्स, ठीक है, और देन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0, देन यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, तो मैंने ये ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका एड ऑन होता जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने क्या करते हैं, राइट में आप गए यहाँ पे मिडिल फिंगर, ठीक है, 0 एंड टैब 1 ऐड,
ठीक है, आप पिंकी बोलना चाहो पिंकी बोलो, लिटिल फिंगर करना चाहो लिटिल फिंगर कर, तो सेम चीज़ आपने यहाँ पे क्या किया है, इस तो लास्ट वाले में आपने पिंकी किया है, तो देख लेना मेक श्योर सब एक ही जैसा रखना क्या, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास बोन्स सेट कर रखे हैं देखो यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है इसमें देख लोगे आप, यहाँ पे सेम नेम रखना, देखो हम एक साथ दो तीन कैरेक्टर पर काम करते तो ऐसा आता है क्या कि कहीं कुछ अलग ना हो जाए, तो अलग अलग नाम भी आपको मिलने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है पिंकी, ठीक है, राइट PINKY, ठीक है पिंकी, तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, तो अभी आपके पास यहाँ पे चार फिंगर आपके पास यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये आपने लोड ड्रैग कर ही दिया है, अपने अभी थंब वाला पार्ट आपने कर दिया, यहाँ पे हमने क्या है ठीक है 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे वाई और जेड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया की कर दिया सेट, ठीक है, अभी चाहो जो मैंने नंबर यहाँ पे लिया वही नंबर आप यहाँ पे भी देख के सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे देखा यहाँ पे, यहाँ पे मैंने सेट किया तो मेरे पास दोनों सिमिलर ही हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया थंब पे देखा यहाँ पे, अभी देखो कई बार ऐसे भी होता है ये आपके पास वर्क नहीं करता, तो मैं यहाँ पे इसको मैं देख के मैं काम कर लेता हूँ, मुझे पता है कैसे डील करना है, 36 और 15 के अराउंड है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कंट्रोल सी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया रोटेशन पे गए, ठीक है 36 आपका यहाँ पे ये पार्ट है कंट्रोल वी, ठीक है, अभी देखो ये पार्ट कहाँ जा रहा है, तो आप ये पार्ट क्रॉस चेक करना है या फिर आप -36 होता है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा ऐसे टर्न करके दे रहा हूँ, देखो अभी ये पार्ट में जेड यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, एंड वाई मेरे पास यहाँ पे जा रहा है, तो ये चीज़ मुझे मैनेज करने से पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पे गए थंब पे गए, यहाँ पे आपका सबसे पहला काम थंब आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब फिर काम करना क्या, नहीं तो फिर आपको मतलब नहीं होगा, और ये आपको सेलेक्ट ऐसे करना है, याद रखना आप डायरेक्ट सेलेक्ट करोगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन से आपको बहुत बढ़िया नहीं दिखने वाला क्या, तो आपने यहाँ पे क्या ये पार्ट आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, अपने रोटेशन पे गया, आप यहाँ पे रोटेशन पे देखो जेड कैसे देख रहे हैं, ये देखो जो जेड है या सबसे पहले आप काम देख रहे हैं, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया और ये पार्ट मैं जेड से नीचे की तरफ कर सकता हूँ, तो मैंने ये पार्ट ऐसे मैंने मैनेज कर दिया, तो मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता हूँ, बाकी चीज़ों को मैच करना मैच कर सकता हूँ आप यहाँ पे, की आपने सेट कर दिया दोनों को आपको सेम मैच करना तो सेम मैच भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, तो एक मेथड मैंने आपको बताया थंब का, देखो पार्ट आपके यहाँ पे दिखेगा आपके यहाँ पे, तो आप ऐसे मोड़ना चाहो तो आपसे मुड़ जाएगा भाई, ठीक है, सेम चीज़ अभी यहाँ पे मैंने दो पे मैंने दिखाया, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन डब्लू, ठीक है, एंड दिस ब्लू यहाँ पे, तो ऐसा मैंने मैनेज किया पे ये पार्ट में, बस यहाँ पे आ गया लॉट ड्रिवन, ठीक है 1 2 3 एंड 4, कौन सी फिंगर है इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, यहाँ पे आपको रोटेशन जेड ही चाहिए, ठीक है, तो अभी आपको क्या करोगे आप यहाँ पे, पहला तो आप यहाँ पे की दे दो, ठीक है, दूसरा पार्ट आप यहाँ पे गए यहाँ से आप सेट करो, यहाँ पे देखो इंडेक्स फिंगर पे आए और इनको आपने 1 कर दिया, ठीक है, 1 करने के बाद आपके यहाँ पे थोड़ा सा बैंड करना है, तो आप ऐसे करके ऐसे करके आप ऐसे करके बैंड करो आप यहाँ पे, ठीक है, अराउंड ऑफ 60 भी आप करते हो तो अभी यहाँ पर काम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे की लगा देता हूँ, बस यहाँ पे की लग गया, मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करके देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या दिखेगा, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे मिलेगा क्या, ठीक है, सेम चीज़ देखो मैनेज आप कर लेना, यहाँ पे आपको मैं दिखा रखा फोकस, ठीक है, 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान रख के कर लेना कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या काम है, दिखा यहाँ पे तो बहुत मैनेज आप कर लोगे तो आपको यहाँ पे ईजी रहेगा, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है, ये आपको माइंड में रहना चाहिए कि बाई डिफॉल्ट चीज़ में बस कैसा है, बस फोन सेटअप यहाँ पर आ गया, इसको मैं तो ऐसे यहाँ पे 3 पे रखूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास ये काम कर जाएगा, तो इसमें ज़्यादा मैनेज करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है, अभी मैंने इंडेक्स फिंगर लिया, अभी मैं मिडिल फिंगर पे आता हूँ, मिडिल फिंगर पे गया रोटेशन पे क्या किया मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है, ये ना की सेट कर दिया मैंने यहाँ पे 4 एंड 5, यहाँ पे वापस गए और मैंने यहाँ पे क्या किया मिडिल फिंगर को मैंने 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, दिस वन 1 2 3 एंड 4, ये पार्ट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, अभी इतने पार्ट दिखा मैंने यहाँ पे क्या किया रोटेशन पे गया और रोटेशन पे जाके मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे ये आपको ऐसे मैनेज कर देना यहाँ पे, ठीक है, तो अब ग्रिपिंग में मैं ज़्यादा भी दे रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, कम भी है कोई दिक्कत, मैं उसे मैनेज कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे की कर दिया और वापस जाके मैंने क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने की किया, यहाँ देखा है मैंने की किया बस, अभी ये 0-1 पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये मेक श्योर ध्यान देना आपने मिडिल फिंगर पे आपने किया है, मिडिल फिंगर पे आपने रोटेशन जेड पे काम किया है, ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे इस पे की जाना था जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 1 एंड 0 पे गया, 0 पे जाके मुझे यहाँ पे क्या काम करना है इसको देखो, अगर यहाँ पे मैं मगर मैंने यहाँ पे कोई भी काम किया है तो ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया, और देन यहाँ पे अगर मैं की दूँ तो अभी अभी काम कर रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक जरूर करना, कई बार ये छूट जाता है, ठीक है, मिडिल फिंगर पे मैंने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे हम लोग गए फिर से देखो यहाँ पे यही पार्ट है राइट हैंड वाला पार्ट हमने ले रखा है लोड ड्राइवर ही है, ठीक है,
यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैंने ऐड ऑन किया, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लूँ यहाँ पे, लोड ड्रिवन ही किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या मिडिल फिंगर 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे रोटेशन जेड है मेरे पास, यहाँ पे की मैंने सेट किया स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे गए मिडिल फिंगर, यहाँ पे 0 पे जाके यहाँ पे सेट करता की स्टार्टिंग में किया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे गए सिंपल वर्ड, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, 1 करने के बाद मुझे यहाँ पे रोटेशन देना है। तो आप ऐसे करके मैनेज करो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है आप कैसे क्या काम कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पर भी की दे दी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो, आपको ये चीज़ें आ गए यहाँ पे, तो घबराना नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ भाई नहीं हो रहा, वो हो जाएगा। एक दो बार वो थोड़ा सा परेशान करता है, कई बार सेम चीज़ आप कर रहे हो उसमें भी आपको कई बार वो सपोर्ट नहीं करता क्या, तो टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। तो ड्रिवन पे आ गया, यहाँ पे हमने पिंकी को सेलेक्ट कर दिया 1 2 3 एंड 4, एंड यहाँ पे रोटेशन सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। पहला तो मुझे ऐसे ही की करना है, दूसरा मैं पिंकी पे जाके यहाँ पे क्लिक करोगे अपने आप पिंकी दिखेगा, तो पिंकी को राइट पिंकी को आओ। यहाँ पे देखो एक चीज़ और नया देखने को मिलेगा, यहाँ पे मिड और मैक्स, मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। एडिट पे गए, यहाँ पे मैं बस एडिट एट्रीब्यूट भी आता है क्या, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने पिंकी को सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे क्या किया मिनिमम और मैक्सिमम मैंने लेवल दे दिया क्या, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। तो कोई अगर ऐसी दिक्कत हो तो आप ऐसे मैनेज कर लेना। अभी पहले से सिलेक्ट करो क्या, इसे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे पिंकी, ये देखो 0 एंड 1 1 किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने कुछ की किया था, यहाँ पे सेट करता हूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन वैसे नहीं लेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। रोटेशन पे गए, रोटेशन मैंने ऐसे मैंने मैनेज कर दिया। अभी देखो यहाँ पे मैं काम करता ही नहीं करता, ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज किया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया की कर दिया, ठीक है। मेक श्योर अभी ये कुछ पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, देखो दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी अगर मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करने जाऊँ तो मेरे पास ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे मैनेज हो गया है, ठीक है। तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो कि भाई आपको कैसे क्या काम करना है। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे आधे चीज़ को मैनेज कर दिया, तो आपका लेफ्ट और राइट हैंड दोनों पार्ट हो गया। मेक श्योर अभी देखो मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं दी है, तो 1 2 एंड 3 आपको अगर याद हो, ठीक है, याद जैसे मैं कहूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे सिलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। इसका पार्ट यहाँ पे, इसका पार्ट आपके पास यहाँ पे, इसका पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 1 2 एंड 3 यहाँ क्रॉस चेक करो, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मेरे उस चीज़ यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने सेट किया चीज़ों को, तो होल्ड करके देखना क्या, होल्ड करके देखने का मतलब यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या किया कॉन्स्टेंट पे क्या मैंने पेरेंट किया, तो मेरे पास ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो हो रहा है। ये पार्ट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। दूसरी बात, अभी मैं यहाँ पे सेट करता हूँ यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, जस्ट इसको अगर मैं मैनेज करता हूँ, मैंने कॉन्स्टेंट किया, तो मुझे पहले क्या इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे मैं अगर चीज़ को मैं मैनेज करूँ तो मैं यहाँ पे पेरेंट ऐसे दिखेगा। तो क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे भाई, क्रॉस चेक में थोड़ा सा कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया और फिर मैंने डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। ये वाला पार्ट मेरे यहाँ पे दिख रहा है, तो ठीक है, आप कॉन्स्टेंट में जाओ और आपने पेरेंट कर दिया। इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जैसे ये पार्ट मैंने सेलेक्ट किया ना यहाँ पे, अभी जैसे मैंने यहाँ पे मैंने कंट्रोलर बनाया, देखो यहाँ पर सेलेक्ट करता तो ऊपर का सारा पार्ट सेलेक्ट होता है, वैसे इनका भी कंट्रोलर मुझे ऐसे ही बनाना है। तो मैं अगर यहाँ सेलेक्ट करूँ तो सब सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। शोल्डर है, ये एल्बो है और ये पार्ट आपका यहाँ पर, तो मैंने शोल्डर को मेटल नोज बटन क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पर डाल दिया, ये रिस्ट को भी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट करता तो पूरा पूरा पार्ट सेलेक्ट हो रहा है। अभी आप यहाँ पर रोटेशन दो आ रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, सेम चीज़ प्रोसेस सेम है। अभी देखो यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया और देन ये पार्ट आपने सेलेक्ट किया, तो कॉन्स्टेंट में गए पेरेंट, ठीक है। ये पार्ट आपने सेलेक्ट किया, देन सेफ प्रेस करके यहाँ पे, ओके, तो पेरेंट आप कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। पी शॉर्टकट है, आप चाहो तो वैसे भी पी भी प्रेस कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये आपने किया कॉन्स्टेंट में गए पेरेंट, ठीक है। अभी इतना पार्ट हमारा यहाँ पर हो गया है, हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि भाई मुझे क्रॉस चेक करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। यहाँ पर राइट में दिख रहा है आप, राइट कहाँ गया, बस यहाँ पर राइट कंट्रोलर, ये देखो ये डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, दिख रहा है आप। बीच में भी मुझे यहाँ पे यही काम करना है, एल्बो वाला पार्ट है, इसको मैंने मिडिल नोज बटन क्लिक एंड ड्रैग इसके अंदर डाल दिया यहाँ पे। रिस्ट वाला पार्ट है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये क्रॉस चेक आपका यहाँ पे होना चाहिए, देखो यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, ओके। इन चीज़ों को हम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी लाइक मेरे पास यहाँ पे बोन है, मैं राइट साइड में गया, राइट साइड में जाके मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बोन लिया, ये बोन का सेटअप देख रहे हैं यहाँ पे 0.08 है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे गए रेगिंग पे, वे इज द रेगिंग, रेगिंग में बस यहाँ पे पार्ट आ गया और रेगिंग के साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्केलेटन क्रिएट ट्रंट में बस यहाँ पे 0.4 यहाँ पे मैंने 8 कर देखा 8, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। और देन मैंने अभी क्या काम किया, इस पर मैंने क्लिक किया कि वन, यहाँ पे मैंने एक नेक के लिए दिया, ठीक है, दूसरा जॉ के लिए दिया मैंने यहाँ पे, तीसरा मैंने हेड के लिए दिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे काम हो जाएगा मेरे यहाँ पे, ठीक है। एन एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, जब सेलेक्ट करो तो आपके पास यहाँ पे क्या दिखने वाला है, ये पूरा पार्ट आपके यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ये आपका कौन सा पार्ट है, नेक, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ध्यान देने के देखो यहाँ पे ये नेक का है, तो जो हमने नाम पहले दे रखा उसको आपको देखना है, ठीक है। राइट साइड अपने हमने पहले स्पाइन का नाम दे रखा, तो ये मेरे पास ये नेक वाला पार्ट है, ठीक है। मैंने सी के नेक नेक जॉइंट कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे आपका जॉ है, जॉ का आप यहाँ पे लगा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये नेक वाला पार्ट का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करता है, जॉ जॉइंट कर दो आप यहाँ पे JW, ठीक है, जो अंडरस्कोर जॉइंट, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपने क्या कर दिया, हेड जॉइंट आपने दे दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हेड जॉइंट, ठीक है, ये पार्ट मैं ऐसे दे सकता हूँ। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी को जॉइंट किया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ पे पार्ट देखिए इस वाले पार्ट को क्लिक करके मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो जॉट टिप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। JW जॉट TIP टिप, ठीक है, अंडरस्कोर जॉइंट, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया। तभी मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे पार्ट किया दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे देखें स्प्लाइन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा भाई, मुझे किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे पास सब कुछ पार्ट है, तो मैं चीज़ों को किस टाइप से फुलफिल कर सकूँ, तो ये सारा पार्ट मुझे यहाँ पे मैनेज करके मैं पेरेंटिंग करूँगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, स्प्लाइन देखना यहाँ पे, ये कंट्रोलर मेरे पास कौन सा है, स्प्लाइन जॉइंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट किया, देखा यहाँ पे इसको, फिर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे मैं कनेक्ट करके मैं मैनेज कर दूँगा। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी देना है, फिर इसका कंट्रोलर बनाना है, चीज़ों को मैं इस टाइप से मैं फुलफिल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोलर देख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो प्रॉपर ये कंट्रोलर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम कम है, तभी हमें यहीं पे होल्ड करना पड़ेगा।